हेलो गाइस, मेरा नाम है नरेंद्र गोहिल। आज के इस वीडियो में हम क्रिएटिव फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि ये मैंने कैसे किया, या फिर आप अपनी खुद की फ़ोटो कुछ इस तरह की बनाना चाहते हो तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो कुछ इस तरह की फ़ोटो बनाने के लिए आपको अपनी फ़ोटो कुछ इस तरह की क्लिक करनी होगी। इस फ़ोटो को डायरेक्ट मैं ओपन करूँगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ड्रॉ टूल के अंदर जाएंगे, लेयर पैनल दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेंगे। दूसरे नंबर के लेयर को नीचे रख लेंगे, ऐड फोटो करेंगे, यहाँ से डन। पहली लेयर को यहाँ से हाइड कर लेंगे, दूसरी लेयर की ओपेसिटी कम रखेंगे। तीसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, फोटो के साइज को सेट करेंगे। लेयर पैनल दूसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके ओपेसिटी को 100% कर लेंगे। इरेजर में जाएंगे, इरेजर की साइज सेट करेंगे, एक्स्ट्रा हिस्से को इरेज करेंगे। लेयर पैनल में जाएंगे, पहले नंबर के लेयर को अनहाइड करके सिलेक्ट कर लेंगे, लेयर को ओपेसिटी कम करेंगे। लेयर पैनल में जाएंगे, ऐड लेयर एम्प्टी लेयर, यहाँ से फोटो ऐड करेंगे, यहाँ से डन। फोटो को उसकी जगह पे सेट करेंगे, इरेजर की मदद से एक्स्ट्रा हिस्से को इरेज करेंगे। लेयर पैनल 3 एम्प्टी लेयर ऐड करेंगे, पहली एम्प्टी लेयर के अंदर रेड कलर फिल करेंगे, ब्लेंडिंग में से ओवरले दूसरे नंबर के सिलेक्ट करेंगे, ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग में से ओवरले तीसरे नंबर के लेयर को सिलेक्ट करके ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग में से ओवरले इन तीनों लेयर की जो ओपेसिटी है उसको आप सेट करके आप अपना मनचाहा इफेक्ट पा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कौन से लेयर को किस ओपेसिटी पे रखा है। बस हमारी फ़ोटो तैयार हो चुकी है। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके सेव फोटो और आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये फ़ोटो एडिटिंग पसंद आई होगी। अगर आप ये ट्राई करें तो मुझे इंस्टा पे टैग ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।